और अगर नॉर्मल जीपीयू चलाओगे तो 8 GPU, और अगर नॉर्मल जीपीयू चलाओगे तो 8। एंड सबसे बेस्ट पार्ट वो कलरफुल भाई, लास्ट टाइम भी आए थे तो बढ़िया बढ़िया चीजें थी, अजीबो गरीब मदरबोर्ड, पता नहीं क्या क्या, लैपटॉप भी थे, आज भी देख लेते हैं। आजा। चलो। बनती रहेगी, गेम खेलते पहले यार। हाँ ये कर लो पहले। अब इतने जीपीयू लगेंगे, इतने बड़े बड़े पीसी बिल्ड होंगे, तुम्हें क्या लग रहा है कि छोटी मोटी पावर चाहिए? ये ट्रांसफार्मर मोहल्ले की लाइट आ जाए, इससे 3200 वॉट की पावर सप्लाई एक साथ 450-90, और अगर नॉर्मल जीपीयू चलाओगे तो 8 GPU तक आप इससे चला सकते हो। अब AI सुपर कंप्यूटर बनाओगे, ये ट्रांसफार्मर ले लेना। और ये पावर सप्लाई कैसे बनी है, यहाँ पे प्रॉपर इसका डिसअसेंबली दिखा रखी है, जो जो इसके अंदर मॉड्यूल यूज हो रखे हैं, जो जो कैपेसिटर्स यूज हो रखे हैं, एंड कैसे क्या कुछ होगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लो अपने आप। तुमने कलरफुल का आई गेम वाला लोगो तो देखा होगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है, उसी लोगो को इन्होंने पूरे पीसी में बदल दिया, ये हेलमेट वाला पीसी। और भाई ये बढ़िया फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, सामने ग्लास है, आई गेम की ब्रांडिंग है, राइट में ग्लास है, सब कुछ एकदम, अगर किसी के गेमिंग सेटअप पे रखा है अलग लेवल फ्लेक्स है। पता नहीं ये इंडिया में बेचेंगे नहीं बेचेंगे, मुश्किल ही लग रहा है वैसे। अच्छा अपने आई गेम वल्कन सीरीज के जीपीयू देखे होंगे ना, इनके कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, उसी जीपीयू को बड़ा करके इन्होंने पीसी बना दिया। अब ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे इतना बड़ा जीपीयू हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में जीपीयू है, और पूरा मदरबोर्ड पावर सप्लाई सारा कुछ सिस्टम इन्होंने इसके अंदर बिठा दिया, और इतना प्यारा लग रहा है ना यार ये। सैडली ये सारी चीजें इंडिया में ये नहीं बेचते, क्योंकि इन्हें लगता वहां कोई खरीदेगा ही नहीं, सच लगता है, तुम कमेंट करके बताओ। और अतरंगी पीसी के लाइनअप में आई गेम नेपच्यून पीसी सेट, ओपन पीसी है ये, यहाँ पे लिक्विड कूल्ड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, प्रोबेबली 5080 है ये, और यहाँ पे इसका AIO है, और इसको अगर हटाएंगे तो इसके अंदर भी 360mm में 3 फैंस इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं, 120mm वाले, 4 RAM के स्लॉट है जो बाहर से लग पाते हैं, ये ओपन पीसी। भाई क्या लग रहा है यार, ये एकदम बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक, किसी के सामने बटन ऑन कर दिया कहेगा भैया नॉर्मल विंडोज ही चलेगी ना इसमें। एंड ये इसका मोल्ड रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर ये पूरा पीसी बना हुआ है, और यहाँ पे सारे मदरबोर्ड्स हैं, मिनी ITX से लेके बी सीरीज है, जेड सीरीज है, इंटेल AMD चिपसेट सब पे हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो कलरफुल के मदरबोर्ड्स की लगती है भाई, इनकी लुक्स, जैसे कि आप ये आई गेम वल्कन देखो भाई, RGB लग रखी है यहाँ पे, और जो इनका आई गेम G890 फ्लो V20 मदरबोर्ड है ना, इसको तो जर्मनी में बेस्ट डिजाइन का अवार्ड भी मिला है, और क्यों नहीं मिलेगा, लुक्स देखो ना कितनी प्यारी है। और लास्टली एक यहाँ पे प्रो सीरीज, यानी वर्क स्टेशन का मदरबोर्ड भी है, जिसके अंदर हम अप टू 7 GPUs एक साथ लगा सकते हैं, ये B2B महंगी बातचीत। और भाई लैपटॉप्स, यहाँ पे Evolve P16 Pro एंड Evolve G16 Pro, जो प्रोबेबली इंडिया में आने की उम्मीद है, यहाँ पे 13900HX के साथ 5070 Ti एंड 4900HX के साथ 5080। बहुत लोगों को उम्मीद है भाई Core Ultra Series 2 के साथ दो, या AMD के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ दो, कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए चीजें कॉम्बिनेशन करते हैं, क्योंकि नए प्रोसेसर महंगे ही आते हैं, फिर उससे महंगा GPU पे क्या भैया बजट में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना। और ऐसे इनका एक IGM M15 एंड M16 यहाँ पे है, और एक Miao R16 Ultra है। और इन लैपटॉप्स की भी भाई आप लुक्स देखो, जैसे हमारा M15 है, बहुत ज्यादा प्यारा एकदम सिंपलिस्टिक लैपटॉप है, और Miao वाले में तो भाई सा फुल Miao, यहाँ पे ट्रैक पैड पे पैटर्न है, इसकी टॉप लेट पे पैटर्न है, और इनके बारे में सिर्फ डिजाइन की बात करो, क्योंकि लैपटॉप ऑन नहीं है तो पता नहीं क्या स्पेक्स के साथ है। और भाई यहाँ पे तगड़ा मामला एक और मिनी पीसी इन्होंने रख रखे हैं, और जो ये वाला मिनी पीसी है ना, ये लेटेस्ट AMD Ryzen AI Max Plus 395 CPU के साथ है, जो बिल्कुल इनकी लेटेस्ट सीरीज है। इसका जो IGPU है ना, उसकी 4050-4060 जैसी परफॉर्मेंस है, और साथ में कोपायलट प्लस सर्टिफाइड भी है। एंड ये वाले मिनी पीसीज वही लोग लेते हैं फॉर बिजनेस प्रोडक्टिविटी, और बाकी और छोटे छोटे भी मिनी पीसीज हैं विद इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज एंड AMD की लेटेस्ट सीरीज। और सारा कुछ कवर करते करते यहाँ पे हमारे को Miao थीम्ड पीसी मिलते हैं, ये इनका स्पेशल एडिशन है जो चाइना वगैरह में बहुत बिकता है, और इसका पूरा थीम देखो आप, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसका कैबिनेट है, सब जगह हमारे को Miao का टच मिलता है। Then we have iGame Ultra Series setup. यहाँ पे जितना कंपोनेंट है iGame Ultra Series का है, जैसे कि आप ये पीसी देख सकते हो, उसका GPU हो गया, AI हो गया, फुल ऑन फंकी थीम के साथ, एंड साथ में जो माउस पैड वगैरह भी रख रखा है कुछ है, बहुत ही प्यारा और नेक्स्ट लेवल लग रहा है भाई। ऐसा पीसी किसी के सेटअप पे रखा हो अलग ही फ्लेक्स नहीं होगा, बटन खोला ढे लाइट है सफेद, और ग्राफिटी अलग बन रखी, और हमारे दिल से जुड़े हुए ग्राफिक्स कार्ड 50 सीरीज यहाँ पे पूरा लाइनअप अवेलेबल है। आई गेम सीरीज हो गई, कलर फायर सीरीज है, आई गेम की अल्ट्रा सीरीज है, वल्कन सीरीज भी है, एंड एडवांस सीरीज भी है यहाँ पे, और इनके ग्राफिक्स कार्ड की भाई लुक्स एकदम वाइट,
पिंक, बढ़िया ग्राफिटी बन रखी है, यहाँ पे मियाओ वाला ग्राफिक्स कार्ड भी है, और जो वल्कन है उसके ऊपर तो हमारे को डिटैचेबल स्क्रीन मिल जाती है जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड लास्टली भाई डूम वाला ग्राफिक्स कार्ड, Doom the Dark Ages, भाई यहाँ पे फुल ऑन प्रिंटेड फेस प्लेट है और डार्क ग्रीन एंड यहाँ पे पूरे टचेस हैं डूम वाले, तो अगर डूम के फैन हो ऑर्डर पे मिलेगा ये। और हाँ, ग्राफिक्स कार्ड सारे इंडिया में मिलते हैं अगर आपको लेना हो, हमने भी अपने कुछ पीसी बिल्ड्स वगैरह में यूज करे हैं कलरफुल ग्राफिक्स कार्ड। तो ये थी सारी एक्साइटिंग आइटम्स जो मेरे को पसंद आ रही थी, मैं सारी आपको दिखाई। आपको सबसे ज्यादा क्या बढ़िया लगा भाई कमेंट जरूर करना, एल्गोरिदम का सपोर्ट चाहिए फुल, बाकी लाइक भी चाहिए, सब्सक्राइब भी, एंड कौन सी चीज का रिव्यू सबसे पहले चाहते हो चैनल पे वो भी बता देना, बाकी बेल आइकन बॉल तो कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।